हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं मेरे राजा बेटा एंड राजा बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या चल रहा है जी? देखें, स्क्रीन पे नजर डालते हैं, वही है मोहनीश, दामिनी, फैजल, डॉली, चंदन, वेद व्यास, राहुल, असरा, नेहा, प्रथम, ग्रेट, स्वाति, कृष्ण, वाहिद, बढ़िया जी. रोज नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ. लगता है अब सीरियसनेस आ चुकी है आप लोगों में, जब से ये पता चल गया कि भाई एक ही एग्जाम होना है, दैट इज नीट. उसी के जरिए एम्स में भी एडमिशन होगा और जिपमेर में भी. आप जानते हैं किस तरह से होगा फिर फाइनली, ये है कि टॉप रैंकर्स जो होंगे, ऑफकोर्स उनके पास च्वाइस होगी कि भाई वो क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना. वो एम्स जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स सबसे पहले फटाफट आप देखेंगे एम्स दिल्ली की सीटें फिल हो जाएंगी, टॉप मोस्ट है. बाकी बच्चे जो है अपनी रैंक के अनुसार सीट चुन पाएंगे. सो हम यही चाहते हैं कि आपको टॉप मोस्ट रैंक के साथ टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन मिले. सो इन्हीं गुड विशेस के साथ क्लास शुरू करते हैं. बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जी, लगभग 250 के करीब बच्चे हमारे पास आ चुके हैं. नमस्ते करते हैं जी सबको, सैयद, वाहिद, राहुल, ऋषिकेश, दीपशिखा, निशांत, शौर्य, फैजल, सबा, ज्योति, मेघा, अनुराग, वी हैव रोशनी आल्सो, ग्रेट, बलवंत जी, नमस्कार, प्यार भरा. सभी लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, विच इज अनअकैडमी, विच इज अनबीटेबल, विच इज अनस्टॉपेबल बिकॉज ऑफ यू. आपके प्यार ने आज हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर भी. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना बहुत जरूरी है, हमेशा ये बात कहता हूं मैं आपसे. चलिए देखते हैं ये स्लाइड क्या कह रही है. कुछ बातें लिखी है मेरे बारे में, मेजॉरिटी आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं. जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, आई एम डॉक्टर सचिन कपूर, नियरली 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड हजारों बच्चे अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं मुझसे थोड़ी सी गाइडेंस लेकर के. बाकी उनकी अपनी मेहनत और उनके चाहने वालों की गुड विशेज उनके लिए. क्या पढ़ रहे हैं जी हम बेटा जी? दैट इज इवोल्यूशन. हमने कल इवोल्यूशन शुरू किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आई थिंक नियरली 711 के करीब, 711 के करीब लाइव लोग जुड़ गए थे इवोल्यूशन की इस बेहतरीन जर्नी के लिए. आज भी मुझे लग रहा है कि हम ये नंबर के करीब पहुंच जाएंगे. वंडरफुल, 300-350 के करीब लोग हैं. लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. चलिए जी, थोड़ा सा आपको बताता हूं, क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे भाई ये चेहरा क्यों बदल रहा है. एक चीज और जरूर बताऊंगा, बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर इवोल्यूशन क्या सिर्फ ह्यूमंस में होता है? ऑफ कोर्स भाई ऐसा नहीं है. ह्यूमंस का तो सिर्फ हम एक एग्जांपल लेकर के चल लेते हैं. जैसे आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी एक कि भाई पहले क्वाड्रीपीडल लोकोमोशन था, धीरे धीरे बाइपीडल लोकोमोशन हुआ. हम इसके भी फायदे समझेंगे. ह्यूमंस में बाइपीडल लोकोमोशन हो जाने से कुछ फायदे हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं. फायदा तो ये हुआ भैया कि हमारा कद लंबा हो गया, ऑब्वियसली, जब आप क्वाड्रीपीडल हैं, चार पैरों पे हैं, और जब आप बाइपीडल हैं, दो टांगों पे खड़े हैं, तो कद लंबा हो जाएगा. तो आप दूर तक देख सकते हैं, है ना, पानी में भी ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं, जबकि पानी आपके नाक तक नहीं आ जाएगा, अदरवाइज तो फिर पानी में डूब जाएंगे. सो पानी में जाकर के भी भोजन की तलाश कर सकते हैं हम. सो बाइपीडल लोकोमोशन ने ये फायदे दिए हमें, कुछ नुकसान भी दिए हैं बाइपीडल लोकोमोशन ने, उनका जिक्र भी करूंगा अभी आपके साथ आने वाली क्लासेस में. देखते हैं जी और कौन जुड़ा है. राहुल है, शैलेश है, अनुपमा, रतन, रचना, रोहित, आत्मिका, प्रिंसी, रिचा, राजा राम, अमिता, राहुल, नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप, वेद व्यास, मनीषा, शैलेश, कनीज, ग्रेट, वंडरफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. टेलीग्राम का ये ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए अपने सेलफोन में, बिकॉज टेलीग्राम के ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पर ही पोस्ट करके बताते हैं. 11,000-12,000 बच्चा लगभग जुड़ चुका है इसमें. एंड जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं, पीडीएफ जो आप कहते हैं ना, लेक्चर जब अपलोड हो जाता है वहां पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, लिंक आता है, वहां पे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलते ही हैं. हम टेलीग्राम ऐप पर भी आपके साथ वो पीडीएफ नोट्स शेयर करते हैं. कई बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या अब हम अलग से नोट्स खुद बनाएं? नहीं जरूरत है बनाने की, राइट? आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर तो रहे हैं, विद एनोटेशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे, कि जो टीचर ने खुद लिखा होता है अपने हाथ से वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं.
प्लस अन अकेडमी प्लस का ये एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए तोहफा है, मैं तो ये कहूंगा। प्लस का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कीजिए बेटा, टेस्ट हैं वहां पे, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशंस एंड मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है। ऑब्वियसली हर इंसान मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहता है। प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन जब आप ले लेते हैं तो आपके पास एक तरह से एक चाबी आ जाती है भाई, उस चाबी से आप बहुत सारे ताले खोल सकते हैं, मैं तो ये कहूंगा। जैसे ही आप अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, कोर्सेज इन द सेंस बायोटेक्नोलॉजी का कैप्सूल कोर्स होगा, इवोल्यूशन का कैप्सूल कोर्स है, ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी है। सो इवन अगर आप 6 months के लिए भी करना चाहें, इवन दैट इज गुड, 6 महीने में भी इंसान बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है इस एग्जाम की। अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप जो कि ट्रेंडिंग ऐप है, आप प्ले स्टोर पे चेक कीजिएगा, ये आप डाउनलोड जरूर कीजिए अपने सेलफोन में। प्लस के सेक्शन में आप जाएंगे, प्लस में जाने के बाद आप नीट का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, बिकॉज नीट लाइव कोड आप यूज करेंगे तो आपको ये पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, फी में डिस्काउंट मिलेगा। फिर से नीट लाइव कोड दिखाया गया है यहां पे, सो नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। राइट जी, 460 पीपल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। 460 से ज्यादा लाइक्स भी आने चाहिए ना बेटा, मजा तो तभी आएगा। मुझे बहुत से बच्चों के कल मैसेज आए कि सर हमने इवोल्यूशन जो है बड़ा एंजॉय किया, कभी भी आज से पहले इवोल्यूशन को इस तरीके से नहीं पढ़ा था जिस तरीके से आपने हमें कहानी की तरह इवोल्यूशन बताया। अनडाउटेडली बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपसे कहा था ना कि थियोडोसियस डॉब्जेंस्की का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. यदि आप evolution को नहीं समझते हैं तो फिर आप किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। क्या कह रही है quotation? A little progress each day adds up to big results. बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है ये। थोड़ी थोड़ी मेहनत भी अगर आप रोज करते रहेंगे ना तो जो नतीजा आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। बूंद बूंद से सागर भरता है ये भी हम जानते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम इतना भी स्लो नहीं चलना है, हमें समय हमारे पास कम है, एक ही सिंगल दिन है नीट, जिस दिन उन्हीं 3 घंटों में सब आर या पार डिसाइड हो जाएगा। सो मैं ये चाहूंगा कि आप बेस्ट तरीके से तैयारी करें, आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, आप सुरक्षित हाथों में हैं। एक इंसान अगर आप अपनी सर्जरी भी करवाना चाहेंगे इंशाल्लाह, अगर कभी ऐसा हो, राइट, कोई सुख दुख हो तो आप सर्जरी के लिए जिस सर्जन को भी ढूंढेंगे तो एक्सपर्ट को ढूंढेंगे ना जिसके पास अनुभव है उस काम का, राइट, 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर कहना ही क्या। सो आप इस प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित हाथों में हैं, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, चिंता मत कीजिए। चलिए जी राजा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, सारी बातें हो गई हैं। एक बार नजर मार लेता हूं कौन है हमारे साथ। राजेश हुडा जी हैं, प्रिंसी, विक्रम, संयोगिनी, अनुपमा, वैशाली, गोविंद, सईदा, सुमिता, प्राची, बीच बीच में आप लोगों के नाम लेता रहूंगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, आपने ये नहीं समझना है कि इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस में ही हुआ है, ऐसा नहीं होता बेटा। इवोल्यूशन तो हर स्पीशीज में हुआ है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इवोल्यूशन नेवर स्टॉप्स। क्योंकि कारण क्या है? एनवायरमेंट नेवर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इवोल्यूशन का जिक्र जब भी हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस करते हैं। कोई एक इंसान या कोई एक जानवर खुद इवॉल्व नहीं करता है, इवोल्यूशन आने वाली जेनरेशंस में जो होने वाले बदलाव हैं जेनेटिक्स के लेवल पे, जीन पूल के लेवल पे, वो कहलाते हैं इवोल्यूशन। जब आप एक पेरेंटल जेनरेशन कंपेयर करें और उसके बाद उसकी अगली जेनरेशन, उससे अगली जेनरेशन, उससे अगली जेनरेशन, तब आपको जो डिफरेंसेस नजर आएंगे वो होता है इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन मींस टू अनरोल और टू अनफोल्ड और टू रिवील हिडन पोटेंशियल, अपने अंदर छुपी हुई किसी काबिलियत को, किसी चीज को जाहिर करना, वो होता है इवोल्यूशन, राइट जी। कल मैंने इवोल्यूशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें बताया था दैट इवोल्यूशन का जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस इवॉल्व करती हैं, एक इंडिविजुअल या पूरा स्पीशीज इवॉल्व नहीं करता। स्पीशीज का एक वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग होती हैं, उसके अनुसार ही आने वाली जेनरेशन में करेक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। एनवायरमेंट जो है बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। जब आप एनवायरमेंट की बात करें तो आप इससे कुछ ऐसा मत समझिएगा कि भाई एनवायरमेंट का बदलना यही होता है, बारिश आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वही एनवायरमेंटल चेंज है।
नहीं, एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे इस चीज को सोच के देखिए। एनवायरनमेंट तो हर समय पल पल बदल रहा है। जिस रूम में आप बैठे हैं, जब आप उस रूम में एंटर नहीं कर रहे थे, उस रूम का एक सर्टन ऑक्सीजन लेवल था, उस रूम का एक सर्टन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था। जैसे ही आप एंटर करें, आपके जूते चप्पल के साथ बैक्टीरिया भी आए होंगे, आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल करी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी, आपके पसीने में केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसने उस कमरे का एनवायरनमेंट बदल दिया। उस कमरे में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, उसके लिए तो एनवायरनमेंट बदल गया ना। सो एनवायरनमेंट को एक माइक्रो लेवल पे सोच करके देखिए। एक चींटी के लिए, एक एंट के लिए क्या एनवायरनमेंट होगा? भाई जितना छोटा सा एरिया वो कवर कर लेती है। एक जानवर की खुद की अपनी शरीर की एक्टिविटीज उसके आसपास के एनवायरनमेंट को हर पल बदल रही हैं। तभी हम कहते हैं ना, एनवायरनमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए आपको यह समझना है, कभी भी एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, वो हर क्षण, वो हर पल बदल रहा है। इसीलिए इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इवोल्यूशन नेवर स्टॉप्स। इवोल्यूशन का कोई अल्टीमेट मकसद नहीं है कि भाई आप सोचें प्रोटोजोआ से कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एशलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, साइक्लोस्टोम्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में सबसे ऊपर प्राइमेट्स, तो बस अब इवोल्यूशन रुक गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन सीढ़ी की तरह नहीं है। इवोल्यूशन इज नॉट लाइक अ लैडर, इट इज लाइक अ ट्री। इनफैक्ट साइंटिस्ट तो कहते हैं एक बुश की तरह है, एक झाड़ी की तरह है इवोल्यूशन का, अगर आपने प्रोसेस समझना है। फिलहाल आप समझ के चलिए कि इवोल्यूशन इज लाइक अ ट्री, एक पेड़ है, उसकी अनेकों ब्रांचेस हैं। आप ये मत सोचिए कि किसी कॉमन पॉइंट से शुरू होकर के सीधी चीजें चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। सो एक बात मैंने और क्लियर करी बेटा जी आपको, इवोल्यूशन इज लाइक अ ट्री, इट इज नॉट लाइक अ लैडर। समझ आया जी? क्लियर है? चंदन, सुमिता, युक्ता, निखिल, निष्कर्ष, वेदव्यास, शिवेंद्र, वेदव्यास तुम्हारा नाम बहुत फ्लैश हो रहा है, ग्रेट। ओके जी, सो इतनी बात आपको समझ आई है तो आपकी तरफ से थम्स अप साइन आने चाहिए कि बेटा इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर पल हर समय हो रही है, साइलेंटली हो रही है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े, कोई मार धाड़, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। कोई जानवर ये सोच के नहीं जी रहा कि वो इवॉल्व कर रहा है। कोई जानवर खुद कैसे इवॉल्व करेगा, उसे क्या पता आगे को कल को आने वाला एनवायरनमेंट क्या होने वाला है। ह्यूमंस की बात अलग है, हमारे पास ब्रेन है, डेवलप्ड है, इंटेलिजेंट ब्रेन है, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, टेक्नोलॉजी के जरिए हम नेचर के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स दे आर एट द मर्सी ऑफ द नेचर, जो प्रकृति में होता रहेगा उसके अनुसार ही वो अपना सर्वाइवल देखेंगे, फीडिंग एंड ब्रीडिंग करेंगे। स्वयं अपनी इच्छा से तो अपने शरीर में बदलाव नहीं ला सकते ना, राइट? तो जब आप जेनेटिकली अपने आप को नहीं बदल सकते तो आप किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ फिर लड़ पाएंगे, राइट? जानवरों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो बेचारे तो छुप जाएंगे, नहीं छुप पाए तो मर जाएंगे। अगर सूखा पड़ गया कहीं, अगर उन्हें भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो मर जाएंगे। ह्यूमंस के साथ तो इतनी आसानी से ये चीजें नहीं होती ना। वी फाइट विद नेचर, एनिमल्स आर एट द मर्सी ऑफ द नेचर। क्लियर हुई ये बात, राइट? चलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बताया था कि इंसान की हमेशा से जिज्ञासा रही है यह जानने की कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कैसे बने हैं, ये किस तरह से ये कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती रही। इंसान की ये जिज्ञासा उसे आज इस मुकाम तक पहुंचा चुकी है कि हम यह भी ढूंढ रहे हैं कि क्या धरती के अलावा जीवन कहीं और भी है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, या फिर और प्लैनेट्स में, आप जानते हैं और भी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की बात आप करते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सो क्या हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे प्लैनेट में ही जीवन है, या किसी और प्लेनेट में भी हो सकता है? जीवन की जो परिभाषा हम लेकर के चलते हैं, लाइफ, पहले तो हम कहते हैं लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली बी कैरेक्टराइज्ड। अगर कोई चीज आपको कुछ सर्टन लक्षण दे रही है, कैरेक्टर्स दे रही है, उसमें रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसमें कॉन्शियसनेस है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे फीचर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि वो लाइफ है। भाई ये कैरेक्टर्स तो आप धरती के हिसाब से लेकर के चल रहे हो, यहां का जलवायु जैसा है, जैसी कंडीशंस है, जरूरी नहीं है किसी दूसरे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे ग्रह में यही कंडीशंस चाहिए लाइफ के लिए। हो सकता है वहां पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, वहां पे वो ऑक्सीजन इस्तेमाल ना करके नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हों,
तो वहां पे ऑक्सीजन जरूरी ही ना हो लाइफ के लिए, ठीक है। सो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जीवन दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है। मार्स एक प्रोबेबल प्लैनेट माना जाता है, जहां पे हजारों लाखों डॉलर्स हर साल नासा और कई और ऐसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस खर्च करती हैं यह जानने के लिए कि क्या और प्लैनेट्स पर भी लाइफ है। ओके, सो लाइफ के ओरिजिन को लेकर के बेटा जी मैंने आपके साथ बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करी थी। कल वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था द डिफरेंट थ्योरीज में, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सुरेज ने, जो कि एक कंप्लीटली रिलीजियस बिलीफ है। धर्म के नाम पे ये बात कही जाती है कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम माने ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो सृष्टि के क्रिएटर प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर है। ऐसा ही बाइबल में भी मेंशन है दैट द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। So, हमने ये थ्योरी डिस्कस कर ली थी अपनी लास्ट क्लास में बेटा जी। वी डिस्कस्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वी डिस्कस्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी जिसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। एपिक्यूरस, एरिस्टोटल, वॉन हेलमोंट, इन्होंने कहा था कि भाई लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कहीं गाय का गोबर है या काउ डंग है तो अपने आप मैगट्स बन जाएंगे, अगर बारिश हुई तो अपने आप मेंढक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। इवन छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप नहीं बन सकता। देन हमने ये जाना कि बहुत से वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को अपोज करा, जिसमें अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट, स्पेलेंजेनीज एक्सपेरिमेंट एंड अनदर एक्सपेरिमेंट बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने स्वैन नेक शेप्ड एक स्पेशल तरह की फ्लास्क बनाई और उन्होंने ये साबित कर दिया दैट लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यदि पहले से जीवन है, वह रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जीवन बन रहा है, लेकिन भाई इससे ये तो नहीं पता चला ना कि वो पहले वाला जीवन कैसे आया था। आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरी का जिक्र करते हैं, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया जिसे कॉस्मोजोइक थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी भी कहा जाता है, इस थ्योरी का क्या मानना है? कौन से दो लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी का विचार जाहिर किया? इट वॉज प्रपोज्ड बाय रिक्टर एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय आर्हीनियस। आर्हीनियस एंड रिक्टर ने यह कंसेप्ट दिया। According to this theory, life has not originated on Earth, rather spores of life have migrated to Earth from some other planet. It is from some other planet. सुनिए अब मेरी बात। आर्हीनियस एंड रिक्टर ने यह कहा कि भाई इतना दिमाग आप लगाए क्यों रहे हो कि लाइफ का ओरिजिन धरती पर ही हुआ होगा, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह से आकर के कोई मीटियोराइट, कोई धूमकेतु कह लीजिए चाहे आप, धरती पर टकराया होगा, उसके धरती पर टकराने से स्पोर्स ऑफ लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से धरती तक पहुंचे। भाई उन्होंने ऐसा सोचा ही क्यों? सबसे पहली बात है, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उनके दिमाग में क्या आया होगा? उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, जो कि कई एंजाइम सिस्टम्स को चाहिए, लेकिन धरती पे इनकी मात्रा काफी कम है। अगर इतने ज्यादा एंजाइम सिस्टम्स को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए और वो धरती पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता दैट लाइफ हैज माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्लेनेट वेयर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस। तो उन्होंने ये कहा कि धरती पर किसी दूसरे ग्रह से लाइफ आई होगी और यहां पे आकर के इवॉल्व करी है लाइफ। लेकिन जो साइंटिस्ट इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका कहना है कि भाई यह संभव नहीं है, लाइफ किसी दूसरे प्लेनेट से धरती पर आए इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जब दूसरे प्लेनेट से स्पोर्स ऑफ लाइफ आएंगे वो इतनी एनहाइड्रस कंडीशंस है वहां पे, इतना हाई टेम्परेचर है, फ्रिक्शन के कारण इतनी हीट होगी कि कोई चीज जीवित नहीं बच सकती। लेकिन कई बार हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं कि कोई मेटियोराइट अगर आकर टकराया, उसमें भी हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं, या कई बार जब हम कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखते हैं कि कोई स्पेसशिप जो है वो धरती पे सेफली वापस नहीं लौट पाए हैं, जिसके कारण से मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हुई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सैंपल्स हम धरती से लेकर के गए थे स्पेस में उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और जब वो वापस आकर के टकराए, उसमें हमें उनके लिविंग होने के संकेत मिले हैं, राइट? सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। सर्टेन साइंटिस्ट क्रिटिसाइज दिस थ्योरी बाय सेइंग दैट स्पोर्स ऑफ लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन द आउटर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ड्राइनेस, हाई टेम्परेचर एंड द अल्ट्रावायलेट लाइट।
क्लियर है जी। चलिए अब हम चलते हैं उस कंसेप्ट पे जो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने दिया है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आप जानते हैं अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड जेबीएस हाल्डेन। ओपेरिन वॉज अ रशियन बायोकेमिस्ट एंड हाल्डेन वॉज एन इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट। हाल्डेन लेटर ऑन सेटल्ड इन इंडिया इन भुवनेश्वर। सुनिए इन लोगों का क्या कहना था, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक बड़ी अच्छी अलग से एक कहानी अब आपको सुनाने जा रहा हूं और उसके बाद देखेंगे कि क्या वाकई ही वो सही है या नहीं है। एक बार स्क्रीन पे मैं नजर डालता हूं अपने राजा बेटा की तरफ एंड बेटी ऑल्सो युक्ता। Then we have a Bharat, Swati, Sankalp, Sutanvi, Jyoti, Punita, Satya, Monish, it is, and Nishkarsh. Nishkarsh ji, a rather beautiful name. Big Bang ki baat kar rahe hain aap. So I hope jitni baatein maine abhi tak kahi hain, aap logon ko samajh aayi hain. Ab suniye beta ji, Oparin and Haldane ne kya kaha tha? पहले तो ये बता दूं, ओपेरिन एंड हाल्डेन से पहले भी ये बात कह चुके थे हैकल, जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, कि भाई लाइफ का ओरिजिन जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुआ है। यह बात पहले हैकल ने कही थी, लेकिन हैकल के द्वारा कही गई वो बात अर्नस्ट हैकल के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, इट वॉज इन अ क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म का मतलब है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं थी, तो इसलिए उनके द्वारा कही गई उस बात के लिए फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए था। उनकी कही हुई उस बात को एक्सप्लोर करा ओपेरिन एंड हाल्डेन ने एंड उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूरे एंड मिलर ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की भी बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप ध्यान से सुनिएगा। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने यह कहा कि धरती पे जो लाइफ का ओरिजिन है करोड़ों साल पहले हुआ है, लेकिन उस समय जो कंडीशंस थी वो ऐसी नहीं थी जैसी कि अब प्रेजेंट डे कंडीशंस हैं। उस समय अगर हम करोड़ों साल पहले की बात करें, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, देर वॉज हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस। उस समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर था जब धरती बनी, जब आप जानते हैं बिग बैंग हुआ, वो विस्फोट जो हुआ, उसमें तापमान इतना ज़्यादा था दैट एवरीथिंग वॉज इधर इन द मॉल्टन फॉर्म और इन द गैशियस फॉर्म, राइट। देर वॉज अबंडेंस ऑफ मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। धीरे धीरे तापमान कम होता गया और ये एनर्जी की सोर्सेज की प्रेजेंस में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ के कॉम्प्लेक्स होते गए। अगर आप अमीनो एसिड्स की बात करें, एक अमीनो एसिड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। सो यह सिंपल गैसेस प्रेजेंट थी जो आपस में मिलती गई, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, इन्होंने मिलकर के सिंपल चीजें बनाई, अमीनो एसिड्स बने। इसी तरह से C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन गया होगा। ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ते गए होंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए तो प्रोटीन्स बन गए। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गए, जो आपस में जुड़े तो फैट्स बन गए। मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ों से पहले एक एटॉमिक फेस रहा होगा, उसके बाद सिंपल इनऑर्गेनिक चीज़ें बनी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और जब ये सारी चीज़ें समंदर के पानी में आपस में घुल मिल रही थी तो उसको एक नाम दिया गया था हॉट डाइल्यूट सूप या प्राइमोडियल सूप या प्राइमोडियल ब्रॉथ। हाल्डेन ने ये नाम दिया था हॉट डाइल्यूट सूप। भाई लाइफ का ओरिजिन पानी में ही क्यों हुआ है? बिकॉज ये चीज ध्यान रखिएगा, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। पानी एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है। पानी में बहुत सारी चीज़ें घुल मिल जाती हैं। जब चीज़ें आपस में घुल जाएंगी तो उनके इंटरेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। एक बच्चा भी जब मदर के यूट्रस में होता है तो चारों तरफ पानी ही तो है ना। सो पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने यह कहा कि जो अलग अलग एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट थे उस समय वो क्या थे? देर वॉज हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, देर वॉज लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, देर वर यूवी रेज, देर वर एक्सरेज। इन सभी एनर्जी सोर्सेज ने सिंपल चीजों को आपस में जुड़ने के लिए मजबूर करा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। ओपेरिन एंड हाल्डेन की इस थ्योरी का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस
और मैटीरियलिस्टिक थ्योरी, ओपेरिन ने ही शब्द दिया था मैटीरियलिस्टिक थ्योरी। अलेक्जेंडर ओपेरिन वॉज अ रशियन बायोकेमिस्ट, इन्होंने एक किताब भी लिखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कंफ्यूज मत होइएगा, देयर इज अनदर बुक बाय द नियरली सिमिलर नेम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या आप बता सकते हैं ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मैंने कहा ना कंफ्यूज नहीं होना, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी है ओपेरिन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बताइए किसकी लिखी हुई है। मैं स्क्रीन की तरफ नजर डालता हूं और जो बच्चे सही जवाब देंगे मैं उनका नाम जरूर लूंगा। भरत जी, अंकिता, एस के मिश्रा, सबा खान, विक्रम, किशन पांडे ने बता दिया जी जवाब, डार्विन, बिल्कुल सही। नौशीन ने भी सही कहा है डार्विन, बिल्कुल जी। हम आरएनए वर्ल्ड पर भी आएंगे जो बात आप पूछ रहे हैं बेटा जी, सबर बनाए रखिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब लिखी है डार्विन ने, किताब का जो एक्चुअल नेम है दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। काफी लंबा है इस किताब का नाम। डार्विन के बारे में जब जिक्र करेंगे तो आपको बताऊंगा कि डार्विन ने और भी कई किताबें लिखी हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन एनिमल्स, वेरिएशंस अंडर डोमेस्टिकेशन, राइट। सो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए वापस लौटते हैं। जेबीएस हाल्डेन वॉज एन इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट, ही लेटर ऑन सेटल्ड इन इंडिया इन भुवनेश्वर, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने किताब लिखी है एंजाइम्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने क्या कहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को लेकर के? उन्होंने कहा कि जो कंडीशंस प्रिमिटिव एटमोस्फेयर पर थी वो प्रेजेंट डे कंडीशन से entirely different थी। उस समय reducing type of atmosphere था। reducing type of atmosphere मतलब there was no free oxygen। आप जानते हैं यदि oxygen होती, oxygen is a supporter of combustion, oxygen चीजों को oxidize कर देती है। so atmosphere उस समय oxidizing type नहीं था, atmosphere reducing type था। there was no free oxygen, ध्यान दीजिएगा लिखा है there was no free oxygen, whatever oxygen was present, जो भी ऑक्सीजन मौजूद थी इट वॉज इन बाउंड फॉर्म। बाउंड फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। देर वॉज नो ओजोन, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, देर वॉज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वॉटर वेपर्स। ये कंडीशंस उनके द्वारा बताई गई, राइट। आगे देखते हैं, उन्होंने ये कहा, इधर देखिए यहां पे इस GIF एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करी गई है कि उस समय करोड़ों साल पहले की जब बात करें कंडीशंस धरती पे बिल्कुल अलग थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, देर वॉज लावा, देर वॉज हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस। तो क्या हुआ, द अबव मेंशनड सिंपल मॉलिक्यूल्स, कौन से अबव मेंशन की बात हो रही है, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज। और वो एनर्जी सोर्सेज थे, देर वॉज हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, यूवी रेज, एक्सरेज। ये बात ध्यान रखना कि हम क्यों कहते हैं दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इसका कारण है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, लिखा है क्लियरली, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्लियर है राजा बेटा इतना, राइट। किसी ने कहा है व्हाई ग्लूटामिक अमीनो एसिड डिड नॉट फॉर्म इन स्टेलने, आपसे अर्शिया बानू, Why glutamic acid not formed in stellene? ये आपसे किसने कहा कि glutamic acid नहीं बना था? Evolution की आप standard books देखिए, फुतियामा के नाम से आती है, स्ट्रिक बर्गर के नाम से है किताबें, आप पढ़ के देखिए। स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में, जो अभी मैंने जिक्र नहीं करा है, आप अपनी जानकारी के अनुसार मुझे बता रहे हैं शायद ये बात, तो आप गलत बता रहे हैं। बिल्कुल glutamic acid भी बना था, एनसीईआरटी में अगर वो मेंशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिर्फ ग्लाइसिन, एलानिन, वैलनाइन और एस्पार्टिक एसिड बने थे, जी नहीं, ग्लूटामिक एसिड वाज आल्सो फॉर्म्ड। हम स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे जी, आप प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा कॉपी पेस्ट करके बार बार मत भेजिएगा, ठीक है बेटा जी, राइट।
हाँ जी सबा करीम, आप सही कह रहे हैं कि पहले आप सबर से पढ़ जरूर लीजिए, फिर आपको सारी चीजें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सुनिए राजा बेटा, स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट अभी आगे आएगा, आपने अभी मुझसे नहीं पढ़ा है वो। सुनिए, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वॉटर बिकॉज वॉटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट एंड इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये बात याद रखना। आगे बढ़ता हूं। नाउ देखते हैं कि ओपेरिन एंड हाल्डेन के दिए हुए उस कंसेप्ट में स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे हुई होंगी। उन्होंने कहा एक एटॉमिक फेस रहा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख लेते हैं भाई, एटॉमिक फेस, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। धीरे धीरे एक सेल के बनने का पूरा सांचा तैयार हो रहा था। ये सब बातें कही ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा खास तरह का इसे प्रूव करने के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल इवोल्यूशन और द कीमोजेनी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और द बायोजेनी। कीमोजेनी कि किस प्रकार वो केमिकल्स आपस में मिल करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें बना रहे थे। शुरुआत में रहा होगा एटॉमिक फेज, जिक्र करते हैं एटॉमिक फेज का। अर्ली अर्थ हैड इन्यूमरेबल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बट ऑक्सीजन वॉज नॉट इन फ्री फॉर्म। ये ध्यान रखना, इट वॉज इन द बाउंड फॉर्म। दीज आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बेटा जी आप एक सेल की पूरी कॉम्पोजिशन जानते हैं, हमें पता है एक सेल के अंदर पानी है, सेल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, यह बेसिक चीजें ही तो हैं। जो केमिस्ट्री है बेसिक लाइफ की वो क्या है भाई, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मुख्य रूप से फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप किसी भी जानवर को उठा के देख लीजिए, चाहे एक अमीबा की बात कीजिए और चाहे एक एलिफेंट की बात कीजिए, शरीर इन्हीं चीजों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। प्रोटोप्लाज्म का बेसिक जो ढांचा है वो इन्हीं चीजों से बना है, राइट। तो इसका मतलब है हमारा शरीर जो है एक्चुअली है क्या, इट इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ दीज सिंपल सब्सटेंसेस, बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग इन सच अ वे दैट दे हैव गिवन दिस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, आगे देखते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे, फ्री एटम्स जो थे वो आपस में मिलते गए और उन्होंने बना दिया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन एटम्स वर मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिएक्टिव इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स दे कंबाइंड विद ऑल द ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म वाटर एंड लीविंग नो फ्री ऑक्सीजन। यही बात मैंने कही ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गए और पानी बन गया, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, जो ऑक्सीजन थी वो बाउंड फॉर्म में चली गई। हाइड्रोजन एटम्स दे ऑल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन एंड दे फॉर्म्ड अमोनिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या अगर मैं आपसे कहूं कि लेबोरेटरी में, लैब में आप मिला करके इन चीजों को खुद लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, क्या अभी ये पॉसिबल हो पाया है, देखते हैं। द प्रिमिटिव एटमोस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग टाइप, द एटमोस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग टाइप विदाउट फ्री ऑक्सीजन, unlike the present oxidizing atmosphere where we have free oxygen. Water and ammonia were probably the first molecules of the primitive earth. This is important. Water and ammonia were probably the first molecules of primitive earth. क्लियर है जी, याद रखिएगा, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो सबसे पहले बने हैं प्रिमिटिव अर्थ में, बिल्कुल फर्स्ट वो है वाटर एंड अमोनिया। क्लियर है जी, इतना बड़े आ गए। हां जी, वी हैव संकल्प, एस के मिश्रा, ज्योति, वेद व्यास, सागरिका, युक्ता, अनुराग, ग्रेट। बढ़ते हैं जी आगे, इधर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
अर्ली सिंपल मॉलिक्यूल्स दे इंटरेक्टेड आपस में इंटरेक्ट करें एंड दे प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कौन कौन से बने? सिंपल शुगर्स, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, नाइट्रोजिनस बेसिस यानी प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. आगे हम देखेंगे कि इन अमीनो एसिड्स ने आपस में जुड़ करके बना दिए प्रोटीन्स. जो सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स ने आगे जुड़ करके बना दिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. एक सेल का बेसिक प्रोटोप्लाज्म तैयार इसी तरीके से हुआ. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आपस में जुड़े तो बन गए फैट्स. अब आप खुद ही बताइए, एक सेल की कॉम्पोजिशन में यही सब चीजें तो होती हैं. देर आर शुगर्स, देर आर अमीनो एसिड्स, देर आर प्रोटीन्स, देर आर नाइट्रोजिनस बेसिस. ये क्या बना देंगे आगे जाकर के? न्यूक्लिक एसिड्स. जो प्रोटीन्स हैं, आप जानते हैं प्रोटीन्स दे फंक्शन एज एंजाइम्स ऑल्सो. मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स दे आर प्रोटीनेशियस. शुरुआत में जो रिएक्शंस हुई होंगी वो नॉन एंजाइमेटिक हुई होंगी, बिना एंजाइम्स के. क्या आप ये जानते हैं? कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के भी हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा या फिर आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना होगा. तो शुरुआत में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सो द इनिशियल रिएक्शंस वर नॉन एंजाइमेटिक, राइट? आगे देखते हैं. टोरेंशियल रेन्स मस्ट हैव फॉलन As the water rushed down, जैसे जैसे बारिश हो रही थी, पानी जब बहता जा रहा था तो rocks के साथ से वो salt भी अपने आप में इकट्ठा कर रहा था. It must have dissolved away and carried with it salts and minerals, and those all accumulated in the form of oceans, right? Ancient oceanic water contained large amount of dissolved ammonia, methane, HCN, nitrides, carbides, various gases and elements. इसी primitive ocean को हाल्डन ने जो है वो नाम दिया था hot dilute soup का, कि एक तरह से वो hot dilute soup जो तैयार हो गया था, अब वहां पे cells बनने की conditions तैयार हो रही थी. Right बेटा जी? ठीक है. अर्शिया, अनीता, चंदन, निखिल, सत्या, विशाल, ग्रेट जी. चलिए राइट, आगे बढ़ते हैं. अब आप देखना आगे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी जब हम इसके क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि क्या प्रैक्टिकली वाकई ही ये सब बातें संभव हैं जो थ्योरेटिकली उन्होंने बातें कही. इधर कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखी हैं, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बने होंगे, किस प्रकार से प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स तैयार हुए, एंड मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ने मिलकर के किस प्रकार से अमीनो एसिड्स बना दिए होंगे. तो शरीर का जो बेसिक ढांचा है, किसी भी जानवर की बात कर लीजिए, मैंने कहा ना वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर ही होता है. देखते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अ सूप लाइक ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब होता है शोरबा जिसे हम कह देते हैं, ऑफ द केमिकल्स फॉर्म्ड इन द ओशियन ऑफ द अर्ली अर्थ फ्रॉम विच लिविंग सेल्स आर बिलीव्ड टू हैव अपीयर्ड. ध्यान रखना ये हॉट डाइल्यूट सूप, ये टर्म जेबीएस हाल्डेन ने दिया था. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हु गेव द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप? इट वॉज हाल्डेन. Organic molecules accumulated in water because their degradation was extremely slow in the absence of any life or enzyme catalyst. जो organic molecules बनते गए वो इकट्ठे होते गए. अक्सर एक सवाल ये पूछा जाता है, is life still originating? क्या अभी भी life originate कर रही है? The answer is probably no. Why? Because समंदर तो अभी भी है ना, सी वाटर तो है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो अभी भी है. लेकिन अब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, फ्री फॉर्म में है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग है. आप जानते हैं नाउ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग टाइप. पहले जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज रिड्यूसिंग टाइप. ऑक्सीजन हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देती है. मोर ओवर अगर समंदर में कहीं किसी गहराई में कार्बन हाइड्रोजन ये सब चीजें मिल करके अमीनो एसिड बना दे और अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना दिए, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना या व्हाटएवर जो भी है, वो इन्हें खा जाएंगे. दे विल यूटिलाइज दोज सब्सटेंसेस एज फूड. लेकिन जब आप करोड़ों साल पहले की
बात कर रहे हैं, तब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों एक्यूमुलेट कर पाए पानी में? क्योंकि तब तो कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, ना ही एंजाइम्स थे जो उन्हें डिग्रेड कर पाते, राइट जी? सो लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग नाउ, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ. मैं ये बात लिख देता हूं, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ. अब लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा है, ओरिजिन हो चुका, राइट? ओरिजिन हो चुका. एक बात भी कही थी ओपेरिन ने, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर. ए बायोजेनेसिस एक बार हो चुका है, राइट? ए बायोजेनेसिस ही तो था, नॉन लिविंग चीजों से ही तो ये चीजें बनी हैं. एक थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन. स्पॉन्टेनियस जेनरेशन जिसमें वॉन हेलमोंट ने भी एक्सपेरिमेंट करा था कि भाई पसीने से भीगी हुई एक कमीज और मिट्टी के एक बड़े से बर्तन में कुछ गेहूं के दाने रख दीजिए तो चूहे बन जाएंगे अपने आप 21 दिन में. सो उन्होंने कहा था लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. ये भी तो हम वही बात पढ़ रहे हैं, दैट लाइफ इज अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. लेकिन 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 ये स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ है, इसमें करोड़ों साल लग गए हैं. उन्होंने तो कह दिया था कि स्पॉन्टेनियसली सब कुछ अपने आप बन जाता है, ठीक है जी? तो कहानी ये भी वही है कि इनऑर्गेनिक चीजों से, नॉन लिविंग चीजों से लाइफ बनी है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है, करोड़ों साल लग गए ये होने में. तो ओपेरिन ने एक बात कही थी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर. मैं लिख देता हूं ये आपके लिए, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर. उसके बाद हमेशा से बायोजेनेसिस हो रहा है, ये ओपेरिन ने कहा था, राइट? कि लाइफ एक बार इस तरीके से ओरिजिनेट कर गई है, अब नहीं, अब लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा है. क्लियर है जी इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं. रतन कुमार कह रहे हैं जी लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ. बिल्कुल जी, सही कहा है आपने, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ. हो सकता है धरती के कहीं किसी कोने में कुछ चीजें ऐसी छुपी हों जो अभी तक एज अ साइंटिस्ट हमारी नजर में सामने नहीं आई हैं, राइट? बोलिए जी, इतना क्लियर आ रहा है आपको? क्लियर है? मोहम्मद आजम कह रहे हैं जी ऑसम, थैंक यू सो मच पुनीता. बताइए जी, जल्दी से अपने थम्स अप साइन भेजिए. जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा था लेक्चर को, आपके लाइक्स आ जाने चाहिए. आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं. देखिए, कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बनती गई होंगी, वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स, सिंपल शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन द एंशियंट सी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको बता दिए थे मैंने पहले ही. सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट अगर हम ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स लेके हीट कर दें, राइट, तो उससे हमें प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स मिलते हैं. आने वाली क्लासेस में आपको माइक्रोस्फीयर एंड क्वेसर वेट्स के बारे में भी बताऊंगा. बहुत से साइंटिस्ट ने ओपेरिन एंड हाल्डेन की कही हुई बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करी, जिसमें से यूरे एंड मिलर मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है. सिंपल शुगर्स विल फॉर्म द पॉलीसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स विल फॉर्म द फैट्स, एमिनो एसिड्स ने प्रोटीन्स बनाए, राइट जी? यहां पर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से सिंपल चीजों से आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई होगी. ओके, यहां पे आपको एक पिक्चर की फॉर्म में ही दिखाने की कोशिश करी गई है. रेडिएशंस थे, देयर वाज अर्ली गैसेस, लाइटनिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, ये सब चीजें हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में समंदर के पानी में मिल करके ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे थे. देखते हैं, शुगर प्लस शुगर ने पॉलीसेकेराइड बनाए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने फैट्स बनाए, एमिनो एसिड्स ने मिलकर के प्रोटीन्स बनाए, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ने मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाए. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड, एक सेल की बेसिक संरचना जो है, बेसिक कॉम्पोजिशन, यही चीजें तो हैं. लिपिड्स जो है वो ये कहेंगे कि भाई हम एक लेयर बना लेते हैं बाहर. आप जानते हैं सेल की मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ लिपिड्स ओनली. अब आते हैं हम मिलर के इस इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. स्टेनले मिलर 1953 में, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ यूरे
at the University of Chicago, he performed a special experiment that he called as simulation experiment. Simulation शब्द का मतलब होता है किसी चीज को हूबहू वैसा क्रिएट करना, simulate करना. एक खास तरह का apparatus उन्होंने डिजाइन करा. इस apparatus को कहते हैं spark discharge apparatus. Spark discharge apparatus design kara Urey and Miller ne. The actual experiment was performed by Miller and Urey guided him. Urey ne kitab bhi likhi The Planets, in which he discussed results of Miller's experiments. To ye khas tarah ka experiment inhone design kara, spark discharge apparatus. Isme the main chamber jo tha wahan pe unhone methane, ammonia, hydrogen and water vapors liye. Is apparatus mein unhone ye sari gases mix kari aur yahan pe electrodes laga karke wo spark generate karte the. The experiment was allowed to run for many days. Basically unhone kya karna chaha ki jo baatein Oparin and Haldane keh rahe hain hubhu waise situations create karke dekhte hain ki kya hame usi tarah se amino acids aur baki cheeze mil sakti hain jo Oparin and Haldane ne kaha. And fortunately उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा. मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन का रेशो 2:1:2 लिया था, ये आप ध्यान रखिएगा. So they circulated this mixture of gases in an airtight apparatus, जिसका नाम spark discharge apparatus, and उसको एक कंडेंसर में से जब पास करते थे, और फिर यहाँ पे ट्रैप था, जहाँ से वो सैंपल लेकर के चेक करा उन्होंने, और जब सैंपल लेकर के चेक करा, तो उन्हें एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सिंपल अमीनो एसिड्स मिले, इसके अलावा और भी अमीनो एसिड्स मिले थे. आप स्टैंडर्ड इवोल्यूशन की बुक्स में देखिएगा, एनसीईआरटी में ये तीन नाम मेंशनड है. दैट डज नॉट मीन कि बाकी अमीनो एसिड्स नहीं बने थे, ठीक है जी. ही सर्कुलेटेड द गैसेस कॉन्टिन्यूसली फॉर वन वीक एंड देन एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड. तो इस बात से उन्हें वाकई ही यकीन हो गया कि Oparin and Haldane जो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली जब हमने वो परफॉर्म करा है तो हमें वही रिजल्ट्स मिले हैं. इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट ने बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लिए. मेलविन केल्विन का नाम आपने सुना होगा. दे टुक अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन होता है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर. मेलविन केल्विन ने कहा कि इस तरीके से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड वो बनाया जा सकता है. देन सिडनी फॉक्स हीटेड अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस. सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स बताए. देन बहादुर हीटेड अ मिक्सचर ऑफ पैराफॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया एंड फेरिक क्लोराइड. इन्होंने एक्सपेरिमेंट में फेरिक क्लोराइड लिया अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट. देन पैराफॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट, इन सब चीजों को हीट करा. ही हीटेड अ मिक्सचर ऑफ फेरिक क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया under strong sunlight and he got almost all the amino acids. तब ये बात वाकई ही मानी जाने लगी कि भाई Oparin and Haldane ने जो कहा है वो बात सच है. इसी तरीके से सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती गई हो गई. क्लियर है जी, राइट विक्रम, क्लियर है आपको? युक्ता युक्ता पूछ रही हैं कि जिन साइंटिस्ट का आपने नाम लिखा है वो कहां से थे. चलिए आप इनके बारे में चेक कीजिएगा कि इनकी नेशनैलिटी क्या थी. प्रियल, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो एक अलग चीज है बेटा. अभी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी पढ़ेंगे, डेफिनेटली स्पीसिएशन भी पढ़ेंगे. इतना क्लियर है जी, राइट? बढ़े आगे. युक्ता आपने ठीक लिखा है, शिवप्रसाद, करिश्मा, चंदन, क्लियर, हरदीप सिंह, ग्रेट जी. आपके थम्स अप साइन आ जाने चाहिए मेरे पास ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि आपको इतना क्लियर हो गया है. Oparin and Haldane की कही हुई बात और Urey एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया. Urey एंड मिलर एक्सपेरिमेंट से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी. नंबर वन, हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव Oparin and Haldane's थ्योरी. Oparin and Haldane की थ्योरी को प्रूव करने के लिए Urey एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट. एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? मिलर ने. कौन कौन सी गैसेस उन्होंने ली अपने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन. उसका रेशो क्या था? 2:1:2
टू, राइट जी, क्लियर है? आगे बढ़े, एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने साथ के साथ एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी करा था। देखिए बेटा, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कोई बात साबित करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, आपको उसका कंट्रोल भी डिजाइन करना होगा। एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है अ पैरेलल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें बाकी सारे वेरिएबल सिमिलर हों एक्सेप्ट वन जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। सो उन्होंने जो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा था, इन अनदर एक्सपेरिमेंट मिलर सर्कुलेटेड मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सेम वे बट ही डिड नॉट पास द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लगभग 70,000 वोल्ट जो यहां से वो पास करते थे, जो एक पैरेलल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने रखा, वहां पे वो नहीं करा, तभी तो वो साबित कर पाए कि मुख्य रूप से ये वजह रही थी कि वो जो सिंपल गैसेस थी वो आपस में कंबाइन हो करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती गई। ठीक है जी, राइट नाउ सुनिए मेरी बात। हमने अभी तक ये जाना कि भाई सिंपल अगर आप एटम्स लें उससे चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब बन जाते हैं, और इसी तरह से सेल की बेसिक संरचना तैयार हो गई, फिर अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनके चारों तरफ लिपिड की एक लेयर बन गई और एक सेल तैयार हो गया। यही तो है जो थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस है, या फिर आप कह दीजिए मटेरियलिस्टिक थ्योरी है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने इस बात को क्रिटिसाइज करा, उन्होंने कहा कि भाई जितनी आसानी से आप ये बातें कह रहे हैं या जितना सिंप्लीफाइड वे में आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरीके से लाइफ ओरिजिन हो सकती है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए वही सवाल मैं आप लोगों से भी पूछने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, विक्रम, नीता, संयोगिनी, नैन्सी, रूपाली, प्रियल, हरदीप, अमर, अनुराग, सुनिए आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं मैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक फंक्शनल लैपटॉप है, एक फंक्शनल कंप्यूटर है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस फंक्शनल लैपटॉप को किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाइए, आप मार्स पे चले जाइए, आप जुपिटर पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां जाकर के इस कंप्यूटर के, इस फंक्शनल लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, बिल्कुल चूर चूर करके इसे वहां फेंक आइए और आप वापस आ जाइए मेरे पास। वापस आकर के मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो सारे टुकड़े आपस में अपने आप जुड़ जाएंगे और एक फंक्शनल लैपटॉप अपने आप बन जाएगा। टेल मी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1%, 2%, 3%, आप जितना मर्जी समय लगा लीजिए। मैंने आपको 1,000 साल दे दिए, लाख साल, करोड़ साल, मुझे अपनी सोच के हिसाब से बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सारे टुकड़े अपने आप जुड़ करके आपस में एक फंक्शनल लैपटॉप बना देंगे। कॉमन, जल्दी, 0% कहा है अनुरेश ने, अनुराग ने, संयोगिनी, कुछ लोग कह रहे हैं 10% प्रोबेबिलिटी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, गिरिश इज ऑल्सो सेइंग 0%। बिल्कुल जी, नाउ यू आर सो स्ट्रांगली कन्विंस्ड कि 0% प्रोबेबिलिटी है कि भाई अपने आप कैसे जुड़ जाएंगे, अगर वो सामान प्रेजेंट है, लैपटॉप के टुकड़े हैं, तो उन्हें जोड़ने वाला कोई चाहिए। एग्रीड, आप यही कहेंगे ना कि कोई एक इंटेलिजेंट ब्रेन होना चाहिए जो उन टुकड़ों को आपस में जोड़ के एक फंक्शनल लैपटॉप बना दे। तो यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि जो कहानी हम कह रहे हैं, अमीनो एसिड जुड़ गए, प्रोटीन बन गए, प्रोटीन ने एंजाइम बना दिए, एंजाइम ने रिएक्शन कैटालाइज कर दी, शुगर्स ने कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कर दिया, न्यूक्लियोटाइड ने न्यूक्लिक एसिड बना दिया, भाई फिर ये कैसे संभव हो जाएगा? करोड़ों, अरबों, खरबों, जितने मर्जी साल आप ले लीजिए, एक सेल एक लैपटॉप से भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक सेल के अंदर हजारों तरह की अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं। एक सेल एक लाइफ है, एक लिविंग चीज है, लैपटॉप तो फिर भी नॉन लिविंग है। तो यदि एक लैपटॉप अपने आप नहीं बन सकता टुकड़ों से जुड़ करके, तो भाई फिर अपने आप ये चीजें जुड़ करके एक सेल भी नहीं बन सकता। व्हेन देयर इज अ डिजाइन, देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। सिंपल सी बात है, जहां कहीं कोई डिजाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसे बनाने वाला कोई है, कोई डिजाइनर है। तो अब सवाल यह है कि वो डिजाइनर कौन है? क्या वो डिजाइनर वो है, वो मतलब व्हाट, खुदा, भगवान, वाहेगुरु,
अल्लाह जो भी कह लीजिए आप, जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं। सो यहीं पे आकर के कई चीजें अटक जाती हैं कि क्या लाइफ का ओरिजिन अपने आप हुआ है या किसी शक्ति ने लाइफ का ओरिजिन करा है। सो कई अनसुलझे रहस्य हैं अभी भी, कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है कि क्या किसी शक्ति ने, किसी पावर ने, किसी एनर्जी सोर्स ने अलग तरह से, उसे सुपरनेचुरल पावर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उसने बनाई है लाइफ। क्या भगवान है? डज गॉड एग्जिस्ट? आने वाली क्लासेस में इन चीजों के जवाब भी आपको दूंगा। मैं अपने तर्क रखूंगा, आप अपने तर्क रखिएगा, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इवोल्यूशन के सुहाने सफर पे आपको ऐसे ही आगे ले जाते रहेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। बिल्कुल जी, बढ़िया लगा है आपको तो जरूर बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी लॉर्ड शिवा, जीसस, वाहे गुरु, अल्लाह, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। सो योगिता, सवाल यही है कि क्या वाकई ही कोई डिजाइनर है जिसने ये डिजाइन बनाया है, राइट? अगली क्लास में इसका चर्चा करेंगे हम। जल्दी से मैं आपको टाइम टेबल बता दूं, क्लास 11th के लिए हम आपसे मिलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टाइमिंग रहते हैं 4, 5, 6। क्लास 12th के लिए आपसे मिलते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, टाइमिंग सेम रहते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दिन ब दिन इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है जो हम आप तक कन्वे कर रहे हैं, राइट? बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। मेरे दाएं बाएं जो आप देख पा रहे हैं लेक्चर के पीडीएफ नोट्स, अभी लेक्चर अपलोड होते ही लिंक में आपको मिल जाएंगे। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, अच्छी शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। सो आप अपनी तरफ से सरस्वती की ये जो विद्या है इसे आगे बढ़ाते रहिए। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, जेईई एंड फाउंडेशन के लिए 9th एंड 10th, राइट बेटा जी? tinyurl.com/neetlivechat, ये आप टाइप करेंगे टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्लस का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो ध्यान रखेंगे नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस कोड के यूज करने से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो प्लस के प्लेटफॉर्म पे जल्दी से आ जाइए बेटा, इससे भी बेहतरीन बातें आपको वहां पे समझने को मिलेंगी। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। कहीं जाइएगा मत, आपकी क्लास होने वाली है फिजिक्स की। आपके ऑल टाइम फेवरेट सर महेंद्र बाहुबली आ चुके हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं कि सर जल्दी से अब आप मुझे आने का मौका दीजिए बच्चों के सामने। चलिए जी, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।